आपका नाम? Myself सुप्रिया सिंह यादव. सुप्रिया जी क्या करती हैं? आई एम परस्यूइंग BEMS. सुप्रिया जी क्योंकि आप भविष्य की होने वाली डॉक्टर हैं, तो युवा सत्याग्रह सकारात्मक बैठक के बारे में आप ये क्या सोचती हैं? मैं क्योंकि मैं भविष्य में होने वाली डॉक्टर हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी लोगों के स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा बनती है, क्योंकि आजकल जो है वो फिजिकली नहीं मेंटली ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं अपनी नेगेटिव थॉट्स के कारण. और हम ये चाहेंगे कि जो लोग हैं, लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्योंकि ज्यादा बनती है, और उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग हमें उनमें पॉजिटिविटी भरनी चाहिए, ताकि लोग नेगेटिविटी की तरफ ना जाके पॉजिटिविटी की तरफ जाए और अपने एक स्वास्थ्य जिंदगी जी सके. आपको लगता है कि इस युवा सकारात्मक बैठक में युवा का कुछ होगा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. आज सकारात्मक बैठक की जो बैठक हुई है उसको लेके जो युवा पीढ़ी है उनमें काफी कुछ आज जो है पॉजिटिव सीखने को मिला है. मैंने भी बहुत कुछ सकारात्मक सीखा है. आजकल की जो युवा पीढ़ी है, नशा हो गया या अपराध हो गए, इन सब चीजों की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं. तो हम ये चाहेंगे कि जो है छोटे छोटे जिलों में, कस्बे में इस मीटिंग रखनी चाहिए, और छोटे छोटे मीटिंग रखनी चाहिए छोटे छोटे अंतराल में, जैसे हफ्ते में 2 बार या 3 बार मीटिंग रखनी चाहिए, ताकि लोग जागरूक हो, स्पेशली युवा पीढ़ी. जी धन्यवाद.